हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर के बारे में। एंगर से हमारी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट होती है और इसका हमारी लाइफ पर, हमारे रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एंगर स्टेट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मैकेनिज्म है। जब हम एंगर स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं या स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या एमरजेंसी हार्मोन्स हैं, वो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी ड्रेन आउट होती है। इसलिए हम एंगर को हमारी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए अच्छा नहीं मानते। बहुत सारे लोगों को बहुत बात बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, इनफैक्ट उनको हर बात पे गुस्सा आता है और बहुत तेज़ गुस्सा करते हैं। एंड इस तरह के एंगर आउटबर्स्ट का हमारी हेल्थ, हमारी वेलबींग पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ की। क्रॉनिक एंड एक्सेसिव एंगर मेक्स यू ससेप्टेबल टू हार्ट डिजीजेस। और आपने भी नोटिस किया होगा, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा करते हैं आप, तो क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा गुस्सा आपके इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। एंड बहुत ज़्यादा देर तक गुस्सा करने की वजह से नींद की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, पर्सन को इनसोमिया डेवलप हो जाता है। हमारी हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़्यादा गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा देर तक गुस्सा करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। चलिए अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। फ्रेंड्स, ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति कभी भी पीस ऑफ माइंड डेवलप नहीं कर सकते, वो खुश नहीं रह सकते, उनको चैन, आराम, सुकून नहीं होता। ज़्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, इनफैक्ट वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। गुस्सा एक आग है जिसमें पहले व्यक्ति खुद जलता है। तो क्रॉनिक एंड एक्सेसिव एंगर हमारी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से पर्सन का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एकदम ऑफ हो जाती है, वो रैशनली एंड लॉजिकली नहीं सोच पाता। इसीलिए कहा गया है कि गुस्सा व्यक्ति के विवेक को ख़त्म कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शीशे पर धूल की पर जमी हुई है तो हम उसे साफ नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है। ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से व्यक्ति अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, इनफैक्ट उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है, क्योंकि गुस्सा करने वाले व्यक्ति को काम करने का मन ही नहीं करता और वो जो भी काम करता है गुस्से में करता है, इसलिए गलत करता है। तो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी वर्क क्वालिटी है, वो सफ़र करती है। ज़्यादा गुस्सा हमारे स्ट्रेस लेवल को इनक्रीज़ करता है। इसके अलावा गुस्से के बाद में डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स के डेवलप होने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इनक्रीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो आप पर? जी नहीं, हम ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो गुस्सा करते हों, बात बात पे लड़ते हों, झगड़ते हों। सो एंगर से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि पर्सन के जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेसिव एंगर की एक सबसे बड़ी कीमत जो व्यक्ति चुकाता है वो है उसके रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे लोगों को लाइक नहीं करते जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और सबसे जो डैमेजिंग आस्पेक्ट है एंगर का वो है बच्चों का। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है उनके बच्चों की पर्सनैलिटी पर। उनकी बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत पुअर होता है। अक्सर ऐसी फैमिलीज जिसमें पेरेंट्स या कोई और फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा गुस्सा करता है, बच्चे उससे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है।
बच्चे उनको हेट करना शुरू कर देते हैं, डिसलाइक करते हैं एंड अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन करियर एंड वोकेशनल लाइफ. जैसे कि हम सोच ही सकते हैं कि अगर ऑफिस में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या होगा. उसके सीनियर्स उसको लाइक नहीं करेंगे, उसके कोलीग्स उसको लाइक नहीं करते एंड इनफैक्ट जूनियर्स भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते. तो अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि एंगर करने की वजह से मैं बॉस हूँ और तुम मेरे जूनियर्स हो और बहुत ज़्यादा एंगर शो करता हो उन पर, तो ये बिल्कुल गलत है कि एंगर की वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. गुस्सा करने वाले व्यक्ति को कोई भी लाइक नहीं करता, सब उसको अवॉइड करने जाते हैं, डिसलाइक करते हैं. एंड क्योंकि एंगर की वजह से आप अपनी वर्क को बहुत सीरियसली नहीं करेंगे, डेडिकेटेड भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगी, आपकी पुअर परफॉर्मेंसेस की वजह से जो आपके करियर में अपलिफ्टमेंट के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे. तो सबसे पहले व्यक्ति के व्यवहार की बात आती है, जहाँ पे अगर ऐसा पाया जाता है कि उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बात बात पे गुस्सा करता है, तो उसकी लाइफ में और करियर में सक्सेस की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. क्योंकि हर जगह हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, उनकी टीम वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर होती है. वो लोगों के साथ में मिलजुल के काम नहीं कर सकते, उनको बात बात पे गुस्सा आता है, इसलिए ज़्यादातर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं और अपने आप को सही ठहराने के लिए गुस्सा करते हैं. तो ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है और उनकी इमेज स्पॉइल होती है. इससे करियर में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि एंगर हमसे टोल लेता है, एक हैवी टोल हमको पे करना पड़ता है. एंगर आउटबर्स्ट के लिए हमको एक कीमत चुकानी पड़ती है. वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है, हमारे रिलेशंस को स्पॉइल करता है और हमारी जो वर्क लाइफ है वहाँ पर भी, करियर में भी हमारे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. इसके अलावा एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से व्यक्ति का लाइफ सेटिस्फेक्शन भी बहुत पुअर होता है. वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते. इनफैक्ट गुस्सा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद एक आग में जल रहा होता है और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर पाता. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि हम हमारे एंगर को किस तरह से मैनेज करें एंड कंट्रोल करें. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकली प्रूवन टेक्निक्स की, जिनके थ्रू हम एंगर को मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज एंगर हमसे एक हैवी टोल लेता है, हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. हम बहुत ज़्यादा एंगर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लाइफ की वेलबींग एंड पीस को डिस्टर्ब करता है. सो फ्रेंड्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय. थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग.